हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको मैं बहुत यूनिक सा फुल हैंड मेहंदी सिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, मैं पूरा भरा हुआ हाथ लगाऊँगी, तो आप इसको बड़े अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे, क्या, कहाँ पर कौन सी सेटिंग कर रही हूँ, कैसे क्या लगा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से पता चले। तो फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने ऊपर सिंपल डिज़ाइन दिया है, बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन। तो ऊपर मैंने 3 राउंड सर्कल बना दिया, उस पर कीनरी बना दी है और वहाँ पर मैंने ऊपर लिप्स डाल दी है। तो आप भी इसी तरीके से ऊपर का डिज़ाइन इसी तरीके से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने डॉट से 3 लाइन बना दी हैं, आप देख सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है लगने के बाद और कस्टमर भी खुश हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से इसको लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी जगह कम बची है, तो यहाँ पर मैंने 1 ही लाइन डाली है। उसके बाद मैंने नीचे का डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, नीचे वाली लाइन को मैंने डार्क कर दिया है और उसके ऊपर सिंगल लाइन डाली है और उसके नीचे भी सिंगल लाइन डाल के उस पर डबल किनरी बनाई है। तो फ्रेंड, एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कहीं पे मोटी लाइन बनाते हैं तो उसके ऊपर एक लाइन ज़रूर खींचिए, ताकि जो हमने मोटी लाइन बनाई है उसमें सफाई आए। वो जो आप देखते हैं कि जब आप मोटी लाइन बनाते हैं तो वो इधर उधर से निकलती हैं, मतलब फैला फैला लगता है, तो लाइन डालने से वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है और बहुत फिनिशिंग आती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने मधुबनी का पैटर्न डाला है। अक्सर लोग यहाँ पर मोर बनाते हैं या सर्कल बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, पर मैं कुछ अलग बना रही हूँ आपको सिखाने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मधुबनी का पैटर्न डाल दिया है। आप भी इसी तरीके से मधुबनी का पैटर्न डाल के उस पर ये जो मैं आप लाइन खींचते हुए आपको दिख रही है, ये होती है कवरिंग लाइन। जब भी आप मधुबनी बनाएं तो ये कवरिंग लाइन डालिए, ताकि जब आप मधुबनी भरे तो आपकी लाइनें जो हैं वो इधर उधर निकले ना, आपकी मेहंदी इधर उधर बिखरे ना। उसके बाद मेरे को थम के पास का डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैं सबसे पहले थम की फिंगर का डिज़ाइन बनाऊंगी, ताकि मेरे को आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि जब एक बार डिज़ाइन बन जाता है तो थम लगाने में दिक्कत होती है, उससे हमारा डिज़ाइन भी ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चेक बना दिया है, एक हैवी सा पैटर्न बना के उसके ऊपर चेक बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से चेक बनाइएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने डॉट डाल दिया उसके अंदर और ऊपर वाली लाइन को फील कर दिया है और उसके ऊपर सिंगल लाइन डाली है, आपने देखा होगा। उसके नीचे मैंने यहाँ पर फ्लावर बनाया है और इसको भी मैं कवर कर लूँगी। कवर करने के बाद आप इस पर किनरी बनाइएगा, ताकि जब हम कोई डिज़ाइन बनाएं तो हमारा ये फ्लावर मिक्सअप ना हो। तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मोर बनाया है। जो मोर हम साइड में बनाते हैं, यहाँ पर मैंने मधुबनी बनाई है, वो मोर मैंने नीचे सेट कर दिया है। तो आप भी एक बार ये डिज़ाइन बना के ज़रूर देखिए, ये यूनिक भी लगेगा और कुछ अलग बनाने का हमें तरीका भी आएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बना लिया है, यहाँ पर मैंने मोर बना लिया है और जो मैंने अभी चेक बनाया है उसको मैंने भरा नहीं है, वो चेक मैं अभी भरूँगी। पहले मैंने नीचे का डिज़ाइन कर लिया है, चेक मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि वो थोड़ी मेरी लाइन नेट जो है चेक की वो ड्राई हो जाए और उसके अंदर जो मैं फील करूँ वो मिक्सअप ना हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भी चेक बना लिया है। आप ये सोचे होंगे मैंने दोनों साइड चेक क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने बीच में बनाई है मधुबनी। आप भी कभी भी मधुबनी बनाए तो उसके साइडों में या तो चेक बनाइए, कोई लाइट सा डिज़ाइन बनाए, ताकि जो हमारी मधुबनी है वो अच्छे से उभर के आए। अगर आप मधुबनी के साइड में भी कोई हैवी सा डिज़ाइन बना देंगे या कोई डार्क सा बना देंगे, तो मधुबनी हमारी नहीं पता चलेगी कि हमने मधुबनी बनाई है, वो एकदम मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ लाइट ही बनाना चाहिए, ताकि हमारी मधुबनी अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अब चेक बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने जो लाइनें हैं उस पर मैंने किनरी बनाई है, आप देखिए, ये मैंने किनरी बना के तैयार कर दिया है।
किनरी आप बड़ी सफाई से बनाइएगा, कई बार ऐसे डिज़ाइन में हमारी किनरी मिक्सअप हो जाती है। तो देखिए अब मैं मधुबनी भर रही हूँ, ये देखिए जो मैंने लाइन खींची थी मधुबनी के साइड में उससे मेरी मधुबनी वहीं तक सीमित है, उससे बाहर नहीं निकल रही। तो आप भी हमेशा जब भी मधुबनी बनाए तो ये लाइनें ज़रूर खींचे, इससे हमें मधुबनी भरने में बहुत आसानी होती है। तो देखिए आप डिज़ाइन मधुबनी भरते कितना अच्छा डिज़ाइन निकल के आया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी डार्क कर लिया लाइन और उसके ऊपर लाइन खींच दी है, और यहाँ मैंने चेक के अंदर डॉट डाल दिया है। आप चाहे तो 3 डॉट्स भी डाल सकते हैं छोटी छोटी, यहाँ पर मैंने सिंगल डॉट डाली है, मोटी मोटी डाली है। उसके बाद मैंने जो नीचे डिज़ाइन बनाया है उसको भी मैंने कवर कर लिया है 2 लेयर्स से, आप देख सकते हैं। अब मैं डिज़ाइन को फील करूँगी। आप भी फीलिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप फीलिंग करें तो जो आपने डिज़ाइन बाहर का बनाया है उसको सबसे पहले लगा के छोड़ दें, जब तक आप नीचे का कोई भी डिज़ाइन बनाइए। क्योंकि जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे हमने मोर बनाया, हमने मोटी लाइन से मोर बनाया, तो हम अगर उसमें तुरंत ही कुछ भर देंगे तो वो लाइनों में जाके चिपक जाएगी साइडों में। पर अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद हम उसमें भरें तो हमारी बाहर की जो मेहंदी है वो सूख जाती है, हल्की ड्राई हो जाती है। तो हमें फीलिंग करने में बहुत अच्छी लगता है और हमारी फीलिंग सफाई से भी होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने भी इसी तरीके से किया है, पहले मैंने डिज़ाइन बना के बाकी के डिज़ाइन बना लिए थे, उसके बाद अब मैं फीलिंग कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा और फीलिंग बहुत सफाई से कीजिएगा, क्योंकि फीलिंग का ही एक चीज डिज़ाइन होता है जो दिख के आता है। अगर आप फीलिंग जल्दबाजी में घसीटे वाली कर देंगे तो वो मेहंदी हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आप फीलिंग का ध्यान रखें, जितनी आप सफाई से फीलिंग करेंगे उतनी ही हमारी मेहंदी देखने में अच्छी लगेगी। तो देखिए जो मैंने नीचे वो लाइन खींची थी उस पर भी मैं किनरी बना रही हूँ। डबल किनरी इसलिए मारते हैं ताकि जो हमारी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो रही है या जो हमने लाइन खींची है उसमें कोई फिनिशिंग नहीं आ रही, तो हमारी किनरी से वहाँ पर फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने फिंगर का डिज़ाइन लगाना भी शुरू कर दिया है। आप चाहे तो चारों फिंगर एक जैसी भी लगा सकते हैं, पर अगर आपको कुछ यूनिक सा करना है तो आप चारों फिंगर थोड़ा सा चेंज कीजिए। और ये जो मैंने फिंगर के ऊपर जगह छोड़ी हैं ये हमारी टिप्स की होती है, जो हम ऊपर उंगलियां भरते हैं उसके लिए। तो आप भी कभी मेहंदी लगाए तो आप इसी तरीके से लगाएं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हाँ हमें टिप्स यहाँ तक भरनी होती है। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा चेंज किया है फिंगरों में, और फिंगर चेंज करने से आपके जो उंगलियां हैं बहुत सुंदर लगती है, कस्टमर भी बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर मेरी फिंगर्स भी रेडी हो गई हैं बिल्कुल। अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो में कुछ भी ना समझ आए या आपको कुछ चीज़ में कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको उसके तरीका बता सकूं, आपको उसका हल बता सकूं। क्योंकि मैं भी चाहती हूं आप अच्छी से अच्छी मेहंदी सीखे मेरे इस चैनल से, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ फ्रेंड अगर आप मेरी वीडियो में नहीं आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी मेहंदी बनके तैयार है। अगर आप ये किसी के भी हाथ पे या कस्टमर के लगाएंगे तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के आएगा। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।